यस गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो स्टार्ट करते बेटा हम लोग। तो हम बात करते रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन के बारे में, डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट किया जाएगा, इस चीज के बारे में चर्चा हमने आपके साथ की थी। और तब डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करेंगे तो उसकी देखा जाए तो मेरे पार्ट पे चैप्टर खत्म हो जाता है, इसके बाद एमसीक्यू से आगे पूछेगा भी नहीं। बट फिर भी हमें कुछ टेक्निकल चीजें और डिस्कशन आपके साथ करनी है, अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इंश्योरेंस, ये भी डिस्कशन हमें आपके साथ करना है। तो बेटा जब हम अकाउंट की बात करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, उस केस में क्या होगा, चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा 11th 12th में, तो पहले बोला होगा असेट्स अकाउंट ऐड करेंगे तो परचेस करेंगे तो ऐड कर देंगे, लेस करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा बैलेंस बच जाएगा। जब आपने पढ़ा होगा 11th 12th में तो आपने ये डिस्कशन किया होगा, असेट्स परचेज की है, जो असेट्स अकाउंट है इस असेट्स अकाउंट को यहाँ लिखें, और यहाँ ऑलरेडी बैलेंस बीडी होगा या परचेज की तो टू बैंक लिख देना परचेज, फिर आपने और परचेज की होगी टू बैंक और लिख देना परचेज। ये लिखने के बाद जितना डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड लिखते हैं, यहाँ पे जो आएगा बचा हुआ बैलेंस सीडी। क्या ये पढ़ा है? तो गलत पढ़ा। सबसे पहले ये अकाउंट बना था, अकाउंट बनने से पहले एंट्री पास हुई होगी यार बेटा। अकाउंट बना है तो अकाउंट के लिए क्या हुई होगी बेटा? एंट्री पास हुई होगी। एंट्री के बाद अल्टीमेटली अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, और अकाउंट लिखना अल्टीमेटली क्या? पोस्टिंग करना। अंजलि थोड़ा हाथ पांव फेरना मुंह पे, और उस बेंच खाली है, चल जाओ बेटा, अच्छे चले जाओ बेटा, इसलिए अपने आप को खुद को चाटा मार रहे हैं, देखो बेटा है। समय के साथ साथ सब दर्द गायब हो जाते हैं बेटा। अब ये गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? समय बलवान है, ध्यान रखना बेटा, बड़ा ध्यान। अरे खींचने से लंबे नहीं होते हैं यार, ये सिर्फ खींचे जा रही हो, ऐसे लंबे खींच लंबे थोड़ी हो जाएंगे। बीमार हूँ थोड़ा, इसलिए मैं अपना खुद का मन बहलाने के लिए ऐसा काम करता हूँ। ऐसा मत समझना मैं आप लोगों की खुशी के लिए कर रहा हूँ ऐसा, कि आपको मजा आया, ऐसा नहीं। ये देखो, क्या हुआ बेटा? अपनी सिलेबस की बात नहीं है, इसीलिए कोई बात नहीं, एक उम्र के बाद सिलेबस में कवर हो जाएगा आपका। समझना समझ गए, नहीं समझ रहे कुछ समझे नहीं है बेटा, समझ गए? एनीवे, तो ये डिस्कशन किया आपने, ये पढ़ा होगा, बट एक्चुअली ऐसे जब भी हम करेंगे ये तरीका गलत होता है। सबसे पहले हम एंट्री पास करना सीखेंगे, एंड देन हम इसके बारे में डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो जब असेट्स परचेज करते हैं तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है? असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? बैंक से एंट्री पास। अब ये असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यों किया? क्योंकि देखो से एग्जांपल, हमने असेट्स को परचेज किया, दैट्स इट। और परचेज किया कितने रुपए में बेटा? 10 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए में हमने असेट्स को परचेज किया, तो नो डाउट असेट्स आपका हुआ। अब ये परचेज किया तो ये परचेज कैश में परचेज किया या क्रेडिट में, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्या माने, कैश या क्रेडिट? क्यों नाम लिखा हुआ नहीं? इसलिए अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड क्यों होता है ये बताया, समझा कि नहीं? ऐसा होता है, नाम लिखा हुआ बचपन से, मैंने ये बात इसका लॉजिक बताया था मैंने पहले भी बेसिक लेक्चर के अंदर, अंडरस्टूड नहीं होता है। हाँ, हमें याद रखना है उसको हमें देना है, हमें याद रखना है हमें लेना है, इसलिए नाम लिखा हुआ नहीं है ना, किसी से कोई लेन देन बाकी नहीं है, हमें हमारे असेट्स प्यारी किसी और से मतलब नहीं है। तो से एग्जांपल कहने का मतलब, यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ असेट्स अकाउंट के बारे में बात करूँ, तो असेट्स अकाउंट असेट्स परचेज की, अब परचेज कैश में की या क्रेडिट में, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? असेट्स किसी परचेज की बेटा? कैश में परचेज की है, ऐसा हम मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी व्यक्ति से उधार में परचेज की होती, उधार क्रेडिट में ली होती, तो उसको पैसा देना होगा, तो किसको देना है? नाम पता है क्या? नहीं,
किसी को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ट्रांजेक्शन जो हुआ ये कैश में ही हुआ है। अब जब इस चीज के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ बेटा, कैश है, और बेटा यहाँ पे अल्टीमेट क्या है बेटा, असेट्स है। तो दो अकाउंट आपको समझ में आए, ये अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है बेटा, रियल नेचर का अकाउंट है। असेट्स कौन से का अकाउंट है बेटा, रियल नेचर का अकाउंट है, बोलो हाँ है ना। अब रियल अकाउंट तो बेटा ये आ रहा है जा रहा है जा रहा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट, आ रहा है जा रहा है आ रहा है डेबिट। तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट को हम क्या, असेट्स अकाउंट को हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, असेट्स अकाउंट टू बी डेबिटेड टू क्या बेटा, बैंक अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। व्हाट विल बी एंट्री बेटा, 10 लाख रुपीज से एंट्री पास होगी। अभी 10 लाख रुपीज से एंट्री पास हमने कर ली। अब ये असेट्स ऐसी है जिसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बताओ डेप्रिसिएशन कब चार्ज होता है, रोज रोज या मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस से, ईयरली बेसिस पे। हम ईयरली बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बारे में आप लोगों से हम बात करेंगे। जब ईयरली बेसिस पे चार्ज करने की बात जब मैं आपके साथ करूंगा तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, असेट्स। चलो ये एंट्री आपने पास की, ये एंट्री पास करने के पीछे लॉजिक क्या है, इस एंट्री में कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा। गोल्डन रूल की बात की थी बेटा, तीन गोल्ड रूल है, नॉमिनल रियल नॉमिनल के साथ। बोलो डेबिट के लिए तो नॉमिनल, क्रेडिट के लिए कौन सा, नालायक असेट जारी है क्या, थोड़े गोल्डन रूल फेल हो जाते हैं, गोल्डन रूल फेल हो जाते हैं कभी कभी बेटा। मैंने आपको अकाउंटिंग तरीका तीन गोल्डन रूल के अलावा भी बताया था। मैं एंट्री लॉजिक नहीं बताऊं तो भी चल सकता है बेटा, उसका कोई वजूद नहीं, नहीं बताऊं तो भी आप पास हो जाओगे, बट पता तो होना चाहिए। जब रिवर्स एंट्री, बिकॉज जिस असेट्स की वैल्यू को हम बढ़ा चुके हैं उस असेट्स की वैल्यू को हमें कम करना है। कम करने के लिए करेंगे क्रेडिट, बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे डेबिट। तो हमें यहाँ पे असेट्स की वैल्यू को कम करना है या बढ़ाना है, कम करना, कितने अमाउंट से, डेप्रिसिएशन के अमाउंट से। इसलिए असेट्स को मुझे उतनी वैल्यू से कम करना है, कम करना है मतलब मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, क्रेडिट किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो मेरा कहने का मतलब ये, जितने अमाउंट से डेप्रिसिएशन होगा उतने अमाउंट से ये एंट्री पास की जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। ना असेट्स यहाँ आ रही है ना असेट्स यहाँ पे जा रही है, सिर्फ असेट्स की वैल्यू कम हो रही है। और बेटा तीन गोल्डन रूल पढ़ते हो, उस गोल्डन रूल में कहीं लिखा हुआ नहीं होता है असेट्स कम होगा तो हम क्रेडिट करेंगे, बढ़ेगी तो हम डेबिट करेंगे, लिखा हुआ है क्या। अब गोल्डन रूल पढ़ते हो रियल अकाउंट के रिस्पेक्ट में, तो डेबिट वॉज कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो असेट्स के जारी है क्या, क्या असेट्स आ रही है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी असेट्स को हमने क्रेडिट कर दिया बिकॉज ऑफ यहाँ पे गोल्डन रूल, तो फेल हो गया आपका बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। बट यहाँ पे जो सेकंड तरीका मैंने आपको बताया था कि असेट्स की वैल्यू को कम करना है हम क्रेडिट करेंगे, असेट्स की वैल्यू को बढ़ाना है हम डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी की वैल्यू को बढ़ाना है हम क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी वैल्यू को घटाना है हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। सेकंड तरीका इसके बाद मैंने बताया था एक और, कि अगर कोई एक्सपेंसेस हमने डेबिट तो कर दिया पर हमें पता लग रहा है वो एक्सपेंस डेबिट नहीं होना चाहिए था, फिर भी हमने डेबिट कर दिया, कैंसिल करने के लिए क्या करते हो उसको क्रेडिट कर दो। बाकी रूल तो लगते ही है उसके ऊपर, फिर भी आप मुझे बताओ आप कभी कभी एक्सपेंसेस को क्रेडिट भी करते हो, बोलो हाँ है ना। जबकि गोल्डन रूल तो फॉलो ही करता है, अगर वहां गोल्डन रूल लगाओगे तो अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। एनीवे क्या सभी को समझ में अच्छे से आया, क्लियर। अब ये एंट्री पास होगी इसका मतलब क्या, मेरे को असेट्स अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, तो इसलिए आया टू बैंक। और क्या है बेटा, परचेज। असेट्स अकाउंट में डेबिट होगा तो कहीं कहीं क्रेडिट तो होगा, कहां पे होगा, बैंक में, कैश में, इसलिए कैश अकाउंट जाके हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आपके पास असेट्स, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है फिर भी हम यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं। अरे भैया डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट हो रहा होगा तो कहीं कहीं क्रेडिट तो हो रहा होगा, क्रेडिट कहां पे हो रहा है, असेट्स अकाउंट में। ये देखो असेट्स अकाउंट में यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा, हम यहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पता क्या, डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे, आप लोग ये बोलते हो आप असेट्स को परचेज किया डेबिट कर देंगे और डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कहां पे करोगे, असेट्स अकाउंट के अंदर। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पता होना चाहिए आपको कि कहां पे किस समय हम ऐड करते हैं, किस समय हम क्या करते हैं बेटा, लेस करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स बेटा। इसमें से इसको लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी बैलेंस शीट, जो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा आपका, कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले साल भी ऐसे गोल गोल रानी, इतना तो पानी खेलेंगे, दैट्स इट, चैप्टर खत्म कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर वन, नोट्स के क्वेश्चन नंबर वन पे आए आप लोग बेटा।
क्वेश्चन नंबर वन पढ़े, क्वेश्चन नंबर वन पढ़े, और क्वेश्चन नंबर वन पढ़ने के बाद आप हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा ये निकाल के बताएं। जैसा हमने कल सॉल्व किया था वैसा आपको सॉल्व करके बताना है ये क्वेश्चन। वैसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आपके लिए हिसाब से होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि पेज नंबर 238 पे है, तो पेज नंबर 238 पे जब जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर वन बोलता है कि 1 अप्रैल 2013 को हम मून लिमिटेड ने एक 10 लाख रुपए की मशीन को परचेज की। उसी के साथ साथ क्वेश्चन ये बोलता है 1 अक्टूबर 2013 को हमने एक एडिशनल प्लांट और परचेज किया 5 लाख रुपए का। उसके बाद 1 अक्टूबर 2014 के दिन हमने एक और प्लांट हमने क्या बेटा, ओहो सेल किया है। कब क्या किया बेटा इसको, सेल किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो बट ऑब्वियस बात है, मतलब वो बिगनिंग सेल कब किया बेटा है मुझे बताओ, 1 अक्टूबर को। मतलब वन मोर थिंग, जब क्वेश्चन पढ़ते हो पूरा, अब क्वेश्चन जब एंड में पढ़ोगे तो वहां पे 31 मार्च ईच ईयर के दिन आपके बुक्स अकाउंट क्या होती है बेटा, क्लोज होती है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि हमारा फाइनेंश हमारा बुक अकाउंटिंग पे जो शुरू होगा वो कब से होगा, अप्रैल टू मार्च। जब अप्रैल टू मार्च होगा तो इसमें बट ऑब्वियस बात है, जब 1 अक्टूबर 2013 के दिन जो असेट्स नहीं है बेटा, 1 अक्टूबर 2014 के दिन जो असेट्स हमने बेची है वो असेट्स 1 अप्रैल 2014 के दिन अवेलेबल होगी। मतलब वो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने यूज हुई, फिर इसको हमने क्या किया बेटा, सेल किया। फिर इसको हमने क्या किया होगा बेटा, सेल किया। अब सेल किया तो 6 महीने तो यूज किया, तो 6 महीने का इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब एक बात सुनो, एक बात इसी में एक पॉइंट बोलता हूं बेटा। से एग्जांपल हमने ये एसेट्स को परचेज किया 10 लाख में, मैंने इस पे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया मान लो 2 लाख रुपीज, डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2 लाख रुपीज। सेकेंड ईयर भी मैंने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया मान लो SLM मेथड यूज, SLM क्या WDV बोलो, SLM ही कर लेते हैं, तो 2 लाख रुपए हमने यहाँ पे और चार्ज किया। अरे WDV कहाँ लिखा है, क्या ये क्वेश्चन नंबर वन चल रहा है, ये मेरा क्वेश्चन चल रहा है आपका, तो मेथड भी मेरी ही हो गया बेटा। अब ये फर्स्ट ईयर में एंड में हो गया, सेकंड ईयर के एंड में हो गया, मुझे बताओ डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद असेट्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 8 लाख रुपए। कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, 6 लाख रुपए। और बेटा 6 महीने और उसको यूज किया और फिर मैंने असेट्स को सेल कर दिया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज तो होगा। हम SLA मेथड से ही बात कर रहे हैं, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा आपके पास, असेट्स डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, असेट्स 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब 6 महीने बाद असेट्स को सेल करोगे, इस असेट्स को हमने सेल किया, आज असेट्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए। आज मैं जब बात करता हूं 5 लाख रुपए के बारे में बात करता हूं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे यहां पे ये 5 लाख रुपए वैल्यू दिख रही है नहीं दिख रही है बेटा, बोलो। आज जिस और इसको मैंने सेल किया 7,20,000 में, इसको मैंने सेल किया। मान लो मैं अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा हूं बेटा, इस असेट्स को मैंने 7,20,000 रुपए में सेल किया, बताओ एंट्री क्या पास होगी, लिखो एंट्री, लिखो एंट्री। मैंने इस मशीन को, इस असेट्स को 7,20,000 में सेल किया है, बताओ एंट्री क्या पास होगी, अरे लिखो। एंट्री क्या पास होगी बेटा, देखो ध्यान समझना बेटा, एंट्री जो पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अब मेरा एक बात समझना बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हमने क्या किया, असेट्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू का बैंक कितने से, जितने से पैसा आया उतने से 7,20,000, बट मैं असेट्स को यहां पे 7,20,000 रुपए से क्रेडिट नहीं कर सकता, मैं यहां पे असेट्स को 7,20,000 से क्रेडिट नहीं कर सकता। सर ऐसा क्यों, क्योंकि
असेट्स हमने क्रेडिट कितने से, डेबिट कितने से किया था? आज असेट्स डेबिट कितने से होकर आ रही है? 5 लाख से। तो बताओ क्रेडिट कितने से होकर आएगी? 5 लाख से। अरे असेट्स का ये बैलेंस दिख रहा है 5 लाख, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस है, तो जितने से डेबिट हो उतने से ही क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो जब हम यहां करने जाएंगे तो 5 लाख रुपए से ही हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बट एक बात मुझे बताओ, जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्या होता है? क्रेडिट होता है। हमने बैंक डेबिट कितने से किया? 7-20 से। क्रेडिट कितने से किया? 5 लाख से। क्या अभी भी 2,20,000 का इधर फर्क आ रहा है? एक बात बताओ, 5 के बदले में 7-20 मिला, प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। आर यू गेटिंग माय? प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट। तो भैया यहां पे हम लिखेंगे क्या बेटा? फर्स्ट टू पी एंड एल। आर यू गेटिंग माय पर्सन? दैट्स द पॉइंट। इसी चर्चा हमने आपके साथ की। ब्लू क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 पे आए बेटा आप लोगों। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से सॉल्व करें आप लोग। अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ बेटा, क्या आप सॉल्व कर दोगे? बनाओगे डेप्रिसिएशन अकाउंट? बनाओगे असेट्स अकाउंट? तो बनाओ असेट्स अकाउंट बनाओ। ये एंट्रीज आपको आ गई है, तो एंट्री की पोस्टिंग करनी है आपको बेटा अकाउंट में। बेटा
हो गया। ये कौन सा अकाउंट है? हेलो, क्या मैं स्टार्ट करूं? जल्दी करो यार। जल्दी करो यार, फटाफट, समय बहुत कम बचा है। लास्ट 10 मिनट्स है, क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा यार बेटा। देखिए बेटा, जितना आपने किया उसके तारीफ आपकी बहुत सारी। हाँ, थैंक यू। समझना बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ आपको बेटा, आपके फंडे ही क्लियर नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स देखा है बेटा, मैं 4-5 स्टूडेंट्स को देखा है मैंने बेटा, उनको ये नहीं पता वो कौन सा अकाउंट में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट, और हम बना रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। बातचीत नहीं, अब सिर्फ सुनने पे ध्यान दे, लिखने पे बिल्कुल ध्यान मत देना बेटा। लिखने का समय मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी समय बहुत कम बचा है, और 10 मिनट में क्वेश्चन समझाना भी है और मुझे यहाँ पे लिखना भी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको बोला गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपकी क्लोज हो रही है वो कब हो रही है? 31 मार्च में आपकी क्या हो रही है बेटा? क्लियर हो रही है। रहने दो बेटा, कोई भी बड़े ध्यान से आप लोग समझना। 1 अप्रैल 2011 के दिन आपने क्या, 1 अप्रैल 2013 के दिन आपने क्या किया? एक 10 लाख रुपए की मशीन परचेज की। इसकी एंट्री बात करना हो तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट नहीं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। तो मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से हो रहा है बेटा? 10 लाख रुपए से। 10 लाख रुपए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ये 1-4 की कहानी है, और टू बैंक मैंने यहाँ डिस्कशन आपके साथ किया। इसी के साथ साथ जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करूं, 1 अक्टूबर 2013 के दिन आपने
5 लाख की मशीन और परचेज की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे कितने रुपए से बढ़ा? 5 लाख रुपए 1 अक्टूबर। अब ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड से पहले पहले हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ईयर एंड पे बेटा। ईयर एंड पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 6 मंथ का, इस पे होगा कितने महीने का बेटा? पूरे 12 मंथ का। और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे भाई विच मेथड बेटा? एसएलएम में डब्ल्यूडीवी से बात करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करता हूँ बाय 31 मार्च, तो जब मैं आपसे बात करूंगा तो बाय क्या आएगा? डेप्रिसिएशन 1 और 2 पे आएगा। इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है बेटा? तो 2 लाख रुपए इस पे आएगा बेटा, और कितना आएगा इस पे? कितना आएगा? 1 लाख रुपए इस पे आपके पास आएगा यहाँ ना। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? तो ओ आई एम सॉरी 50,000, यहाँ कितना आया? 250। तो बच्चा 31 मार्च के दिन क्या होगा भाई? सीडी 12,50,000। आप भाई बात समझना, 2 बैलेंस BD 12,50,000। गलती हमसे एक हो गई, क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा बन रहा है? बनाओ ना वहां जाके, कौन लिखेगा यहाँ पे? 2,50,000। मैं 4-5 बच्चे नोट में देखा है यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन अकाउंट। अरे डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, ये मशीनरी अकाउंट। बोलो यहाँ पे क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट 2,50,000 आपके पास दिया आएगा। एंड ऑफ द ईयर में खर्चा कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। तो 2,50,000 रुपये यहाँ पे चला जाएगा पी एंड एल में। ये 31 मार्च की कहानी है, ये 31 मार्च की कहानी है। क्या ये ईयर कौन सा था? फर्स्ट ईयर 2013-14। अरे ये 13-14 ना, एक ही 13 कहाँ से हुआ? 13-14 हुआ ना। अब मैं बात करता हूँ 1 अक्टूबर 2014 के दिन आपने जो 1 अप्रैल को असेस परचेज की थी, इसको आपने सेल किया। तो ये 1 अप्रैल वाली, इसको हमने क्या किया? सेल किया। तो बेटा सेल करने की एंट्री क्या पास होगी? 1 अक्टूबर 2014 के दिन जब आपने सेल किया होगा तब एंट्री क्या पास की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान समझो, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स। जब बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा तो कितने में सेल की बेटा? 7 लाख में सेल की। अरे हाँ है ना। टू क्या आएगा आपके पास असेट्स में, यहाँ पे बोलो, क्योंकि जो 10 लाख की असेट्स थी इस पे 2 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। वैल्यू कितनी बची बेटा? 8 लाख। बट क्या सेल करने से पहले इस पे भी 6 महीने डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया होगा फर्स्ट पे? तो कितने महीने का? 6 महीने का चार्ज होगा। अब किस वैल्यू पे बेटा? WDV मेथड से बात करना है बेटा। तो जब मैं आपसे कितना आएगा? 8 लाख के ऊपर हम बात करेंगे। कितने परसेंट से बेटा आपके पास? 6 मंथ की बात हम यहाँ पे करेंगे। क्या है पॉइंट्स? 80,000 रुपीज का आएगा। तो ध्यान से देखो आज असेट्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 7,20,000। 7,20,000 की असेट्स को हमने कितने में बेचा? 7 लाख। प्रॉफिट हुआ है लॉस? लॉस। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? पी एंड एल अकाउंट डेबिट। तो बेटा ये समझ में, असेस को हमें क्रेडिट करना है, कितने से करना है? 7,20। बेटा बोलो, पर जब हम बात करेंगे 7,20 करेंगे तो एक तरीका, तो ध्यान समझना, 7,20 में लिख दूं, 7,20 में से देखा जाए तो 7 लाख रुपए अमाउंट किसका है बेटा? कैश का। और 20,000 किसका है बेटा? लॉस का। तो लिख सकता हूँ सन्ड्री अकाउंट्स, बट मैं यहाँ पे सन्ड्री अकाउंट्स ना लिखते लिखूंगा ऐसे एक तरीका काम करूँ। 7 लाख रुपए कैश का और 20,000 रुपए किसका? आपके पास। तो हम यहां लिख देते हैं क्या बेटा? आपके पास कैश या बैंक, और यहां पे क्या आएगा? पीएनएल। क्या सभी को समझ में आया बेटा? अब इसके बाद इस साल में कुछ और हुआ है क्या? इसके बाद इस साल में कुछ कुछ भी नहीं हुआ। अब हमें इस साल के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो भाई डेप्रिसिएशन, अब बेटा 12,50 में से 8 लाख के असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज हम नहीं करेंगे, क्योंकि 12,50 में से 8 लाख की असेट जा चुकी है, जाना बाकी है। और 8 लाख की असेट 6 महीने यूज हुई, तो 6 महीने की यूज प्रिपरेशन चार्ज कर चुके हैं या करना बाकी है? तो बताओ इसमें से कितने की असेट्स और बची है? 4,50,000। तो 4,50,000 पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा।
गेटिंग मई पॉइंट्स? तो यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 4,50,000 के ऊपर, कितने परसेंट से? 90, पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो बच्चा हुआ क्या आएगा बाई बैलेंस सीडी 3 लाख। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा? अब इस साल भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बेटा, टू मशीन कितना कितना बेटा? 80,000 और कितना बेटा? 90,000। तो कितना अमाउंट पीएन? तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा आपके पास, और क्वेश्चन बोलेगा 2014-15 में, ये तो 13 हो गया, 2014-15 में कितना अमाउंट पीएनएल में जाएगा डेप्रिसिएशन का? आंसर विल बी 1,70,000। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, अब लास्ट ईयर की बात करते हैं फटाफट से बेटा। बोलो लास्ट ईयर क्वेश्चन में क्या बोला बेटा हमने? 1 जुलाई 2015 को हमने न्यू प्लांट परचेज किया, ठीक है, पर उससे पहले तो हम यहाँ पे टू बैलेंस भी लिख दें बेटा। बोलो कितने रुपए का? 3,60,000। ये सेकंड वाली है। आगे क्वेश्चन ने बोला हमने और परचेज किया, कितने की परचेज की बेटा आपने? 12 लाख की परचेज की, उसको हमने यहाँ पुट कर लिया। परचेज कब किया? 1 जुलाई। तो अगर 1 जुलाई 31 मार्च तक हुई तो इसमें 9 महीने का डेप्रिसिएशन ही चार्ज किया जाएगा, और इसपे अगर कुछ नहीं हुआ तो पूरे 12 महीने का होगा। बट क्वेश्चन में आगे कुछ बोला गया है कि जो असेट्स हमने 1 अक्टूबर 2013 को परचेज की थी, इसको 4,20,000 में हमने सेल कर दिया 1 अक्टूबर को बेटा। तो मतलब इसी असेट्स को हमने बेचा, कब बेचा बेटा? 1 अक्टूबर 2015 को बेचा बेटा। बोलो कितने में बेचा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट कितने? 2 असेट्स बेचा कितने में? 4,20,000। बट इस असेट्स की वैल्यू कितनी है? 3,60। गलत, क्योंकि इस पे यहां तक डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा आपके पास? असेट्स। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 3,60,000 के ऊपर कितने परसेंट से? 20% से 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 36,000। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? तो मुझे ये पता है कि असेट्स को मुझे को क्रेडिट करना है, 36 से मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, पर ये कहीं कहीं डेबिट तो हो रहा है। हाँ, कहाँ हो रहा है? डेप्रिसिएशन में। तो ये 36,000 रुपीज हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? यहाँ पे टू मशीन या असेट्स कुछ भी करो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान से देखो, 3,60,000 की चीज बिगिनिंग ऑफ द ईयर में थी, 31 सितंबर तक या 1 अक्टूबर तक इस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 36 का, तो असेट्स की वैल्यू कितनी बची? 3,24,000। 3,24,000 की असेट्स को हमने कितने में बेचा? 4,20,000। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट कितने रुपए का? 96,000। अब मुझे बताओ यहां कितना आएगा? 3,24,000। रिगार्डिंग में पर्स, अब ध्यान समझना बेटा, मैं जब यहां बात करूंगा तो बाय बैंक 3,24,000, ये बात हजम नहीं होगी भी आपको बेटा, ने क्या बोला ना, इसलिए बोला हजम नहीं होगी बात, इसका टेस्ट समझ में नहीं आएगा। हमें देसी टेस्ट पसंद है, पर ये इटालियन टेस्ट है बेटा, ध्यान समझना। 3,24,000 लिखा, जैसे लिखा आपके होश उड़ गए, तो गलत है, गलत नहीं है। असेट्स अकाउंट को मैं क्रेडिट करना 3 चॉइस से प्रूव कर सकता हूं, तो 3 चॉइस से ही मैंने यहां पे क्रेडिट किया है। अकाउंटिंग एंट्री के साथ चलूं तो एकदम 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है। बड़ा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नहीं जितने बेचा यहाँ लिखो, प्रॉफिट यहाँ लिखो, अल्टीमेट बात तो वही हुई ना। कभी आपने तो सोचा ही नहीं इस बात के ऊपर कभी बेटा आपने। आप लोग क्या करते हो कि आपने जितना जितने बेची कितने में बेटा? 4,20,000। यहाँ 4,20,000 रुपए लिख देते हो, उसपे जो प्रॉफिट हुआ कितने का? 96 का, वो यहाँ लिख देते हो। एक बात बताओ, 4,20 में से 96 क्रेडिट का नेट आया कितना? गलत थोड़ी है, आपको लग रहा था गलत है, इनफैक्ट जो पढ़ते वो आ रहे वो गलत है। भले आप पास हो गए, भले वो बुक्स में लिखा हो, भले वो बोर्ड में लिखा हो, बोर्ड में जाए, अरे अकाउंटिंग कंसेप्ट तो यही बोलता है ना कि आप एंट्री पास कहीं करते हो। तो असेट्स को क्रेडिट कितने से किया? 3 चॉइस से। बड़ा बोलो ये जाएगा टैक्स से पीएनएल में जाएगा बेटा, आर रिगार्डिंग माय पॉइंट्स? इसलिए बट ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप 3 चॉइस नहीं लिखना चाहते हो, सब तो बचपन से जो पढ़ना आ रहे हैं वही लिखना चाहते हो, लिखो बेटा यहाँ 4,20,000 रुपए बेटा हमने सेल किया, ये पीएनएल लिखा, तो अल्टीमेट नेट तो बचा कितना? 324 ही बचा।
मैं सिर्फ 324 लिखता तो भी वो सही होता, इनफैक्ट वो ज्यादा करेक्ट है इससे तुम, बट हमारी प्रैक्टिस में नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? नाउ इसके बाद क्वेश्चन ने बोला हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करो बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा सिर्फ 12 लाख पे ही चार्ज होगा बेटा। कितने परसेंट से बेटा? 20% से। कितने महीने का बेटा? 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 1,80,000 विल बी योर क्या होगा? डेप्रिसिएशन। वो यहाँ पे हम ये करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात 180 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी वापस आपके पास आएगा। रिकॉर्डिंग में बचा हुआ क्या आएगा भाई? बैलेंस सीडी हाउ मच? रिकॉर्डिंग में कितना है? 2,16,000। अरे हाँ है ना, ये कहाँ जाएगा? पी एंड एल, दैट विल बी आंसर। क्या समझ में आया क्वेश्चन ने? हमने इस क्वेश्चन में असेट्स अकाउंट बनाया, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? इसी क्वेश्चन को आप SLM मेथड सॉल्व करके लेके आओ, इसी क्वेश्चन को आप SLM मेथड से सॉल्व करके लेकर आओ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।